और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से एक बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अब की बार रायबरेली और अमेठी में वे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आखिर क्या है अखिलेश की रणनीति और अगले चुनाव को लेकर प्लान क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। कहते हैं सियासत में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों इसी कहावत को पूरा कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के रहते समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से यूपी के जिस रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी, अब अखिलेश यादव वहां अपना कैंडिडेट उतारने पर विचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म करने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव और अमेठी सीट को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन सकता है। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा